हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 13 जो कि है ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज। तो आज एक्सरसाइज 13 बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या दे रहा, इफ एक्स इक्वल ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा एंड वाई इक्वल ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, तो प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको प्रूव करके लाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एलएचएस को से चलेंगे तो आरएचएस में इक्वल कर देना, आपको एलएचएस से चलकर आरएचएस में इक्वल कर देना है। ठीक है, देखिए सो सिंपल, सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या 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 दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ एक्स इक्वल ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा दिया हुआ है, और उसके बाद वाई वाले टर्म में क्या दिया हुआ है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा दिया हुआ, राइट ना। ए चीज आपको तो दिया हुआ है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ, डेट मीन्स आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर वैल्यू रख दे, इस पे रख दे तो जाहिर सी बात है इस पे प्रूफ हो जाएगा, आपको इतना आ जाएगा। देखिएगा तो हमें क्या करना, टेकिंग एलएचएस, ठीक है, टेकिंग यहां पर एलएचएस से मैं चलता हूं, ये हमारा एलएचएस वाला टर्म हो गया, ये आरएचएस हो गया, राइट ना। तो देखिए एलएचएस पे चलते हैं, तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेट मीन्स अगर एक्स का वैल्यू अगर मैं इस पे रख दूं और वाई का वैल्यू रख दूं और सोल्व करता हूं, देखिए क्या होगा ना, इस पे वैल्यू रखकर सोल्व करा है, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है ए सेक थीटा प्लस यहां पर लिखेंगे बी टेन थीटा, ए चीज दिया हुआ इसका होल स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू अब रख रहा हूं, वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, राइट ना। होप आपको ये दिक्कत नहीं होगा, ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, राइट ना। और एक चीज देखिएगा यहां पर तो समझ में आओ सेम इसी टर्म में यही वाला आइडेंटिटीज यूज होंगे। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, अब इसको मैं लिखता हूं, क्या लिखेंगे इसको, इस पूरे टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसी बेस पे हम तोड़ देंगे, क्या करेंगे देखिएगा, ए सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि टू लिख देंगे, ए बी क्या हो जाएगा ए सेक थीटा, ए सेक थीटा और यहां पर हो जाएगा बी टेन थीटा इंटू बी टेन थीटा हो जाएगा इंटू बी टेन थीटा, राइट। ये चीज तो आपको समझ में आया होगा, ए स्टेप आपको समझ में आया होगा, क्या किया हूं कि ए स्क्वायर इसको पढ़ा हूं इसको बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि टू ए बी रखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस है तो माइनस साइन रख देता हूं, सेम यहां पर भी स्टेप करेंगे, ए टेन थीटा मीन इसको ए पढ़ो, तो पढ़ेंगे क्या ए टेन थीटा का होल स्क्वायर मीन ए स्क्वायर प्लस यहां पर लिखेंगे बी सेक थीटा, बी सेक थीटा का होल स्क्वायर बी सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, राइट। तो देखिए यहां पर लिखेंगे टू इंटू ए बी यानी कि ए क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा ए टेन थीटा यानी कि लिखेंगे ए टेन थीटा इंटू यहां पर हो जाएगा बी सेक थीटा, यहां पर लिखेंगे इंटू बी सेक थीटा हो जाएगा। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए मैं इससे इसको कैसे टर्म में लिखूंगा, इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट ना, इसको मैं कर रहे हैं स्क्वायरिंग प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके बाद प्लस ये तो रहेगा टू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, ये आपको इस तरह से ब्रैकेट लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहां पर देखिएगा यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, देखिए मैं स्क्वायर लगा रहा हूं सी प्लस टू ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा, राइट ना, ये चीज आपको किया हूं। अब देखिए मैं क्या करूं, ये वाला भी स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, देखिए ओपन करके दिखाते हैं आपको,
ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, ए चीज हो गया माइनस, देखिएगा ये वाला साइन यूज कर रहा हूं माइनस। अब यहां पर देखिए तो माइनस प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस टू ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ए सिंपल है। अब देखिए तो यहां पर ए मिस कर सकते हैं टू सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, यहां पर दिया हुआ माइनस टू टेन थीटा और इंटू बी सेक थीटा, दैट मीन्स आपको ये टर्म से ये टर्म कैंसिल कैंसिल आउट हो गया, तो दैट मीन्स आपको बचा क्या वो मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर बचा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और यहां पर बचा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन आप लोग क्या गलतियां करते हो मैं बता देता हूं, आप लोग गलती कर बैठते हो कि देखिए यहां पर ए ए सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर देख रहे होगे कि बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा तो कैंसिल कर देते हो, लेकिन यहां पर ए बी स्क्वायर है यहां पर ए स्क्वायर है तो कभी आपको कैंसिल नहीं हो सकता, ये गलती नहीं करिएगा हड़बड़ में, ठीक है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। आप क्या करोगे अरेंज कर लीजिए, तो देखिए तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इसके साथ कर लेते हैं सेक का माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट, यहां पर देखिएगा प्लस यहां पर लिखेंगे बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए कुछ फॉर्मूला यहां से यूज होना चालू हो गया, यहां से कोई फॉर्मूला पता हो गया, जैसे कि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है वन का इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऑलवेज वन होता है, वन का इक्वल होता है। डेट मीन्स आपको क्या कहने का था कि यहां से ए और बी यानी कि क्या जानते हो कि ए यहां पर देख सकते हो सिंपल सा सेक स्क्वायर थीटा और यहां पर देख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर देख सकते हो ना सेक वाला टर्म इसके साथ मैं मैच करा देता हूं। देखिए अगर आपको लग रहा होगा सिंपल से इसमें हम अरेंज अच्छे से करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये आपको तो अरेंज ही किया हुआ नहीं समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, यानी कि हमें सेक का एक रखना है एक आपको टेन का रखना होगा, तो ये सेक और यहां पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा के साथ इसे रखना होगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर उसके बाद लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर लिखेंगे बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सबसे पहले अरेंजिंग का जरूरी पड़ता होगा, एक बार हम लोग मिस्टेक किए तो देखिए इस तरीके से आपको रिजल्ट दिखेगा, लेकिन अब तो हमें समझ में आया ना कि ए ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या होता है वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऑलवेज वन होता है। डेट मीन्स आपको इसके जगह पर आप लिख सकते हो क्या ए रहने तो ए कॉमन ले लेंगे यहां पर ए स्क्वायर और यहां से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से यहां से भी बी कॉमन ले लो बी स्क्वायर कॉमन ले लो क्या बचेगा टेन यहां पर देख सकते हो और यहां पर साइन माइनस कॉमन लेंगे। देखिए यहां पर सिंपल सा जवाब ले लो, हमें बनाना है फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना, तो यहां पर सेक जो है माइनस में है और टेन यहां पर प्लस में, तो हमें क्या करना होगा माइनस साइन को कॉमन लेना होगा, तो यहां पर देखिए माइनस साइन को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप मैं करके दिखाता हूं, ये आपको माइनस साइन यहां से कॉमन ले लिए तो डेट मीन्स यहां पर हमको सेक को प्लस बनाना है तो माइनस साइन कॉमन लिए तो क्या बन जाएगा यहां पर सेक यहां पर बन सक यहां पर बन जाएगा क्या देखिएगा यहां पर ये बनेगा सेक प्लस में बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां पर देखिए इस तरह से बन जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर देख सकते हो ये सेक ये बन गया क्या बन गया प्लस में बन गया क्योंकि साइन माइनस में कॉमन लिया और टेन क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा तो बी टेन स्क्वायर थीटा इस तरह से बन गया। अब यहां पर समझने वाला बात था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में था अब टेन प्लस में था तो हमें साइन को चेंज करके यहां लाना था तो यहां पर साइन चेंज कर दिया, अब हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं क्या हो जाएगा ना
आप कॉमन क्या लीजिएगा देखिएगा ध्यान से, यहां पर अगला स्टेप में करेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है इस तरह से था, यहां पर माइनस बन गया। आप देखिए तो यहां पर मैं से कॉमन लेते हैं, बी स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, बी स्क्वायर दोनों में कॉमन लिए तो क्या बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बना। अब देखिएगा यहां का रिजल्ट देखिएगा, यहां पर तो ए स्क्वायर, अब देखो क्या बन रहा है, ये आपको सिंपल सा बन रहा है क्या कि ये वाला टर्म हमको क्या जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, वन का इक्वल रख दिए ठीक है, माइनस बी स्क्वायर रहने तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है यहां पर देख सकते हैं वन का इक्वल होता है यानी कि वन, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर आर एच एस पूरी तरह से हमें प्रूव्ड हो गया ठीक है। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर और बिना स्किप किए हुए आप समझोगे तभी इस क्वेश्चंस को बना पाओगे ठीक है, अदरवाइज आप स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो का स्किप कर ना देखें ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।